जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी तथा उच्च शिक्षा उपनिदेशक अशोक शर्मा, जिला शिक्षा निरीक्षण अधिकारी तथा खंड स्रोत व्यक्ति व सभी डाइट प्रभारी सम्मिलित हुए तथा पूरे जिले के शिक्षा संबंधित कार्यों व गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने सभी विभागों के द्वारा हो रही गतिविधियों की जानकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन द्वारा दी। बैठक के दौरान समर्थ, निष्ठा, रेमिडियल शिक्षण, प्रेरणा प्रयास, गणित और विज्ञान किट तथा सीखने का पिटारा, वर्चुअल कक्षा कक्ष, स्पोर्ट्स अकाउंट्स, प्री प्राइमरी प्लानिंग, वोकेशनल आदि सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला प्रतिभा वैद्य ने स्मार्ट कक्षा कक्ष के बारे में चर्चा की। वहीं खंड समन्वयक धर्मपुर भोला दत्त कश्यप ने प्रशिक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एडीसी मंडी आशुतोष गर्ग ने सभी गतिविधियों के बारे में पूर्ण समीक्षा करते हुए सभी कार्यों की सराहना की और कहा कि सभी शैक्षणिक योजनाएं तभी संपूर्ण मानी जाती हैं जब उसका परिपूर्ण फल हमारे विद्यार्थियों की सफलता से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास ही हमारा उद्देश्य है। जिन स्कूलों में कम अध्यापक है वहाँ पर स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग किया जाए ताकि शिक्षण में रुकावट न आए। तपोवन में पांचवें दिन प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला। प्रश्नकाल के बाद 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इसी बीच उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं प्रचालन सरलीकरण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया, जिस पर विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज किया। विपक्ष के साथ CPIM के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा ने भी विरोध दर्ज किया व सदन से बैक आउट कर दिया। विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल पारित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि इससे हिमाचल में पूंजीवादी जमीन खरीदेंगे। विपक्ष हिमाचल ऑन सेल की जो बात करता रहा है वे साबित हो रही है। विपक्ष इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बेवजह इस पर हल्ला कर रहा है। इस बिल से हिमाचल के लघु एवं मध्यम उद्योगों को फायदा मिलेगा। विपक्ष ने पहले इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की, अब जब सदन में बिल रखा तो विपक्ष हल्का कर रहा है। इस बिल से न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सोलन के माल रोड पर जिला न्यायालय के समीप में स्थापित बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिसका करीब 5000 रुपए का नुकसान हो गया है, जबकि अग्निशमन विभाग ने आसपास के लगभग 10000 रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार सोलन के जिला न्यायालय के समीप बिजली के ट्रांसफार्मर में देर शाम को अचानक से आग लग गई। कुछ ही देरी में आग की लपटें ट्रांसफार्मर को घेरने लगी। आग को बढ़ता देख आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र सोलन को दी। अग्निशमन केंद्र को सूचना मिलते ही केंद्र के प्रभारी राजा राम भागटक की अगुवाई में टीम घटनास्थल पर पहुंची और मोर्चा संभालकर आगजनी को शांत किया गया। अग्निशमन केंद्र के प्रभारी राजा राम भागटा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद तुरंत टीम सहित मौके पर पहुंचे और आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग से करीब 5000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि आसपास के लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण बिजली का ओवरलोड हो सकता है। गौर रहे कि जिस स्थान पर ये आग लगी थी वहाँ आसपास कई निजी घरों की इमारतें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगजनी की एक बड़ी घटना होते होते टल गई है।